ठीक है पति महाराज, अब प्लेट जाओ महाराज, हम दगा लेंगे तुम्हें। ठीक है सो जाओ महाराज। अरे चार रामारे राजा महाराज। बड़ी गहरी नींद में सो गए पति महाराज। महारानी हारे थके हुए से, मगर एक बात महारानी ये बताओ घर के चार सरोवर क्या चीज है महाराज? क्या होते गए? हमने इसलिए जगाया पति महाराज, ये चार सरोवर कौन से पक्षी जा रहे? क्या ये महारानी, मुझे कौओ का जोड़ा मालूम पड़ता है। नहीं, ये हंस जा रहे महाराज। क्यों? तुम्हें नहीं पता पति महाराज, हमारी मैके में अजयनगर में हंस पली हुए, इसलिए मुझे हंसों की पहचान है। अच्छा हाँ, तो महारानी हमें तो कौओ का जोड़ा मालूम पड़ता है। सुनो महाराज। हाँ मास्टर, इतनी बात मान ली जाए तो हम काहे के लड़ो में।
हंसों का जोड़ा निकला तो क्या होगा, अब कौओं का जो जोड़ा निकला तो क्या होगा? तुम्हें बताओ पति महाराज। देखो महारानी, तुम नहीं मानती हो, कौओं का जोड़ा निकला तो मैं 12 रात के लिए, ये रात कौओं का जोड़ा निकला तो हम तुम्हें 12 रात के लिए काग ब्राह्मणी बनाएंगे। मुझे मंजूर है। और हंसों का जोड़ा निकला, रात पात छोड़ के धनधाम त्याग के मैं 12 वर्ष के लिए तपोवन को चले जाएंगे। बिल्कुल पति महाराज, मैं मंजूर हूँ। ठीक है, आप बैठ जाइए, मैं मंत्री को भेज के अभी पता मंगाता हूँ। ठीक है महाराज। ठीक, ए मंत्री, मंत्री जी सरकार, रात में काम आ गया है हमारे लिए। हमारे में जाइए, ये पता लगा के आओ हंसों का जोड़ा है या कौओं का जोड़ा है। अच्छा, और सच कहना, झूठ मत कहना। हमारे बाप बता देना, झूठ को मैं बोल दूं। हाँ, झूठ मत कहना, जाइए और पता लगा के आइए। ये बताओ महाराज, हम जाएं और पहचान करके किसके पास पहले मुझे आना है? देखो ऐसा है, आप हमारे पास आना या रानी के पास जाना, तुम्हारी तबीयत तो शो कर रहा है। हेलो, हाँ मेरे भाइयों, कजाबादुर दुसा और मल सताया दे और हे प्यारी बहन, हे प्यारी बहन, जब ता और लड़िया जे तपोवन को चले गए, जे चावल आदो आदो दा हुए, जात का कही गए लोड़ा लोड़िया हुए, सही बता दे, हमने हलना खाए, जा खाए बंसपति खाए, साकाचार खाए, मोटो खाओ, पतरू खाओ, बड़े बतऊ खाए, चट्टू खाए, पट्टू खाए, करोटे आए खाए, अकेला समझ ले हो तब सफेदी का ऊना आए। कम कुछ ना वो जेवर ऊना है वो तो देख तब बोलो चले जाए, मगर लोड़ा लोड़िया बंदो, हम तो फाका देता है समय में, देख हम तो ऊंचा देते बोरी में। और तुम कहाँ पे गए हो? तू घबराते बाजा मार्टर। और ये हुए हैं राजा प्रथम, तो रानी मंझा से कहने लगे